खैरिये देवी, महागण मेरी ही शक्ति है, उनका वध नहीं किया जा सकता। देवी, यदि आप मुझसे विवाह नहीं करेंगी तो कैलाश का भी विध्वंस होगा। हे पवन पुत्र, मैं आपकी बुद्धि और भक्ति दोनों से प्रसन्न हुई। कहिए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? देवी, आप जिस पंचजन्य शंख में वास करती हैं, संसार की रक्षा के लिए आज मुझे उसी की आवश्यकता है। एवं अस्तु, हनुमान जी, मैं आपको वरदान देती हूँ। इस पंचजन्य शंख की ध्वनि के साथ आप पंचमुखी रूप धारण करेंगे और इस संसार का कल्याण करेंगे। देवी, मुझे शीघ्र अति शीघ्र महागण को रोकना होगा, मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम। अंतिम बार कह रहा हूं देवी, मुझसे विवाह कर लीजिए, अन्यथा इस संसार से कैलाश का अस्तित्व ही मिटा दूंगा। अस्तित्व तो तुम्हारा मिटेगा महागण, महाबली हनुमान के आते ही। जैसी आपकी इच्छा। अब इस संपूर्ण कैलाश को मैं सागर में समाहित कर दूंगा। अब संकट मोचन हनुमान ही संकट का निवारण कर सकते हैं। हे महाबली हनुमान, रक्षा कीजिए। इस महाविनाश से हमारी रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। ये तो देवताओं की पुकार है, अवश्य ही महागण ने कोई बड़ा संकट खड़ा किया है, मुझे शीघ्र अति शीघ्र जाना होगा। आज ये संसार जानेगा महागण के विरुद्ध जाने का क्या परिणाम होता है। आज ये संसार से कैलाश का अस्तित्व सदा सदा के लिए मिट जाएगा। हे महाबली हनुमान, आपको कोटि कोटि प्रणाम। आज आपने केवल कैलाश की ही नहीं अपितु हम सब के विश्वास की भी रक्षा की।
ये नहीं हो सकता। कोई भी महागण के विनाश से कैलाश को नहीं बचा सकता। उससे पहले वाला राज मैं तुम्हारा अंत करूंगा। तुम्हारा अंत अब निश्चित है। जय श्री राम। जय श्री राम। रुद्र अवतार हनुमान की जय। जय श्री राम। श्री हनुमान की जय। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। नहीं, ये नहीं हो सकता। कोई भी महागण के विनाश से कैलाश को नहीं बचा सकता। किंतु उससे पहले वाना राज मैं तुम्हारा अंत करूंगा। तुम्हारा अंत अब निश्चित है। हे रुद्र अवतार हनुमान, आज कैलाश को बचाकर आपने ये सिद्ध कर दिया कि संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, यदि कोई आपको मन, कर्म और वचन से पुकारे तो उनका संकट हरने आप अवश्य आएंगे। माता, ये तो मेरा धर्म है और यही प्रभु श्री राम की सच्ची भक्ति। परंतु हनुमान जी, महागण का संकट अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। माता, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप सुरक्षित हैं। कैलाश सुरक्षित है, संपूर्ण संसार सुरक्षित है। राम राम जपते रखते। अब कोई संकट में है तो वह स्वयं महागण है। मुझे आज्ञा दीजिए माता। जय हनुमान, जय हनुमान, जय श्री राम। महाराज, तुमने महागण के विनाश से कैलाश को तो बचा लिया, किंतु अब तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है। महागण, मैं आपको नहीं रोकूंगा, क्योंकि आपका अंत करने के लिए तो आपके शापित कर्म ही पर्याप्त हैं। जिन्हें तुम मेरे शापित कर्म कह रहे हो, वही तो मेरी विनाशक शक्तियां हैं, और इन्हीं विनाशक शक्तियों से आज मैं तुम्हारा अंत करूंगा। महाराज, आओ महागणों, मैं तुम्हारा आह्वान करता हूँ। आओ मिटा दो मेरे मार्ग के सबसे बड़ी बाधा को। अब समय आ गया है भगवान विष्णु के चारों आवेश अवतारों को पुकारने का। इतने अंतराल के बाद आज प्रभु विष्णु के इन चारों आवेश अवतारों के एक बार पुनः दर्शन हो रहे हैं। सत्य कहा आपने गुरुदेव, उद्देश्य पूर्ण होने के बाद से ही ये सभी अवतार आवेश लोक में स्थापित हो गए थे, किंतु मंगल मूर्ति हनुमान जी आज इन्हें पुनः संसार के सम्मुख ले आए। नरसिंह अवतार, जिस प्रकार आपने हिरण्यकश्यप का अंत किया था, उसी प्रकार इन असुरी महागणों का अंत कीजिए। हे वराह अवतार, जिस प्रकार आपने हिरण्यकश्यप का अंत किया था, उसी प्रकार इन्हें मृत्यु दंड दीजिए। हे गरुड़ और अग्रिम अवतार, जिस प्रकार आप दोनों ने वेदों और अमृत की रक्षा की थी, उसी प्रकार
इन असुरों का विनाश कीजिए। सर्वनाश हूँ, किस प्रकार अंत करोगे मेरा? मेरा अंत संभव नहीं। मुझे आपका अंत नहीं, आपके श्राप का अंत करना है और आपके शापित जीवन का उद्धार करना है। उद्धार तो तुम तब करोगे जब तुम जीवित रहोगे। जय हनुमान। महागन, जैसे तुम्हारी सारी शापित शक्तियों का अंत हुआ है, उसी प्रकार अब तुम्हारा भी होगा। मैं सर्वनाश हूं, दूसरों का नाश करता हूं, भला किस प्रकार अंत करोगे मेरा? मेरा अंत संभव नहीं। महागन, मुझे आपका अंत नहीं, आपके श्राप का अंत करना है और आपके शापित जीवन का उद्धार करना है। उद्धार? उद्धार तो तुम तब करोगे जब तुम जीवित रहोगे। महागन, आज चाहे आप स्वयं को एक सर्वनाश समझते हो, किंतु यहाँ तक आने की आपकी एक जीवन यात्रा है और उस जीवन यात्रा को जाने बिना आप स्वयं को इस श्रापित जीवन से मुक्त नहीं कर सकते। मैं भी देखता हूं, पहले तुम्हारी बात समाप्त होती है या तुम्हारा जीवन। महागन को उनके पूर्व जन्म का स्मरण करा के ही मैं इन्हें श्राप से मुक्त करा सकता हूं और किसी भी स्थिति में मुझे ये प्रयास करना ही होगा। महागन, स्मरण कीजिए उस समय को जब इस संसार में प्रभु श्री राम का अवतार होने वाला था और सभी देवता अपनी एक विशेष चिंता को लेकर महादेव के पास गए थे। प्रणाम महादेव। महादेव, रावण के अत्याचारों का अंत करने के लिए संसार में प्रभु श्री राम का अवतार होने वाला है। प्रभु श्री राम के अवतार की तो संसार वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा है, तो प्रसन्नता के स्थान पर आपके मुख पर चिंता कैसी? प्रभु, ब्रह्मदेव ने कहा था कि श्री राम के अवतार के साथ उनके सर्वश्रेष्ठ भक्त का भी संसार में अवतरण होगा, किंतु हम सबको अभी तक ज्ञात नहीं है कि वो सर्वश्रेष्ठ भक्त है कौन। देवराज, उसकी चिंता मत कीजिए, क्योंकि प्रभु श्री राम की सहायता के लिए, उनकी भक्ति के लिए और उनकी सेवा के लिए मेरे 11वें रुद्र अवतार का अवतरण होगा। महादेव का 11वां रुद्र अवतार? उस देव सभा में आप भी उपस्थित थे जब सृष्टि में प्रथम बार महादेव ने अपने 11वें रुद्र अवतार की बात की थी। इस संसार में 10 ही गण हैं और उन्हीं 10 गणों से बना है ये महागण। तो तुम किस 11वें रुद्र अवतार की बात कर रहे हो वानराज? ऐसे कौन से 11वें रुद्र अवतार हैं जिन्हें आप प्रभु श्री राम की सहायता के लिए पृथ्वीलोक पर भेजना चाहते हैं?
महागण, वो भगवान विष्णु के प्रति मेरे प्रेम, सेवा और अनन्य भक्ति का ही रूप है। हे भगवान, क्या मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई थी जो आपने प्रभु श्री राम की सहायता के लिए मुझे नहीं भेजा? नहीं महागण, वो बात नहीं है। तो भगवान मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपके 11वें रुद्रावतार के रूप में प्रभु श्री राम की सहायता करने के लिए आतुर हूं। महागण, तुम्हारी भक्ति मेरे प्रति है, किंतु संसार को एक ऐसे महाभक्त की आवश्यकता है जिसकी भक्ति जीवन, जिसकी हर एक सांस केवल और केवल प्रभु श्री राम के लिए हो, और ऐसे ही परम भक्त केवल मेरे 11वें रुद्र अवतार ही हैं। प्रभु, यदि वो इतने ही बड़े भक्त हैं तो एक बार मैं भी उनके दर्शन करना चाहूंगा। अवश्य महागण, समय आने पर तुम्हें भी उनके दर्शन अवश्य होंगे। यदि संसार में कोई श्री प्रभु राम की सहायता करने के लिए जाएगा तो वो है महागण, ना कि 11वां रुद्रावतार। भला मुझे क्या आवश्यकता है किसी की सेवा करने की? व्यर्थ का प्रलाप बंद करो वानराज, और मुझसे युद्ध करो। महागण, मैं आपसे युद्ध ही तो कर रहा हूं, पर प्रहार आपके शरीर पर नहीं, आपके मन पर कर रहा हूं, ताकि आपके मन में आ गए पाप को मिटा सकूं। जब मुझे अपने पाप और पुण्य की चिंता नहीं तो फिर तुम्हें क्यों चिंता हो रही है वानराज? क्योंकि महादेव के मना करने के पश्चात उस दिन आपके मन में जो क्रोध का पाप जन्मा था, आप उसी के साथ माता पार्वती से मिलने चले गए थे, और अपने संदेह से आपने उन्हें भी विचलित कर दिया था। बस वही घटना आपके इस शापित जीवन की पहली सीढ़ी बनी। प्रभु, आंखें खोलिए प्रभु, समाधि से जागिए प्रभु। क्या बात है देवी, आप इतनी अशांत क्यों हैं? प्रभु, आप कैलाश छोड़कर जाने वाले हैं, प्रभु श्री राम की सहायता करने के लिए संसार में अवतार लेने वाले हैं। आपको कोई भ्रम हुआ है देवी, मैं कैलाश छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूँ। तो आपका 11वां रुद्र अवतार कौन धारण करेगा? भगवान विष्णु के प्रति मेरे हृदय में जो प्रेम, सेवा और भक्ति का भाव है, वही भाव मेरे 11वें रुद्र का रूप धारण कर संसार में अवतरित होने वाला है। उनका नाम होगा हनुमान। हनुमान? तो प्रभु, हनुमान जी के प्रथम दर्शन मैं ही करूंगी। मुझे आज इसी समय आप हनुमान जी के दर्शन करवाइए प्रभु। देवी, घटनाओं को समय से पूर्व देखना अमंगलकारी होता है। हनुमान के जन्म को अभी समय, माता अंजना के गर्भ से हनुमान का जन्म होगा, और उसी के पश्चात संसार को उनके दर्शन प्राप्त होंगे। प्रभु, नियम तो संसार के लिए है, मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूं, और जैसे आपकी भक्ति का वास आपके मन में है, वैसे ही मेरे लिए भी। इसीलिए आपके उस भक्ति स्वरूप रुद्र अवतार हनुमान जी को मैं आज ही देखना चाहती हूँ प्रभु। यदि यही आपका हट है तो ठीक है, मैं आपको अपने रुद्र अवतार हनुमान के दर्शन अवश्य कराऊंगा। मैं भी तो देखूं ऐसा क्या है इन 11वें रुद्र अवतार में, ऐसा क्या विशेष है कि महादेव मेरे स्थान पर उन्हें भेज रहे हैं प्रभु श्री राम की सहायता के लिए।
शिवा ओम शिवम शिवा ओम शिवम शिवा ओम शिवम शिवा रुद्र रुद्र महारुद्र स्वयं सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वज्ञात शंकर सिद्धेश्वर ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय रुद्र रुद्र महारुद्र स्वयं सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वज्ञात शंकर सिद्धेश्वर रुद्र रुद्र महारुद्र स्वयं सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वज्ञात शंकर सिद्धेश्वर रुद्र रुद्र महारुद्र स्वयं सर्वेश्वर देवी यही है प्रभु विष्णु के प्रति मेरी भक्ति के अवतार श्री हनुमान। प्रभु इन्हें देखकर तो यही लग रहा है जैसे स्वयं भक्ति ने ये रूप धारण कर लिया। माता ये अवश्य होंगे भक्ति के अवतार, किंतु इस संसार में सबसे बड़ा भक्त मैं ही हूं और मैं ये बात सिद्ध कर दूंगा। महागन उस दिन आपने संसार में प्रथम बार मुझे प्रभु श्री राम की भक्ति से जगाया था। राम राम आंखें खोलिए वानरराज। ये समय भक्ति के प्रदर्शन का नहीं भक्ति की परीक्षा का समय है। वानरराज यदि आपने अब भी आंखें नहीं खोली तो आप प्रभु श्री राम की सेवा से वंचित रह जाएंगे। मेरे जीवन का अर्थ और उद्देश्य केवल एक है, प्रभु श्री राम की भक्ति। तो सिद्ध कीजिए कि आपकी भक्ति मुझसे श्रेष्ठ है। आप दोनों में से शिवलिंग के आरंभ और अंत के बारे में जो भी सर्वप्रथम पता लगाकर यहाँ पर लौटेगा वही सर्वश्रेष्ठ भक्त कहलाएगा। मेरे जीवन का अर्थ और उद्देश्य केवल एक है, प्रभु श्री राम की भक्ति। तो सिद्ध कीजिए कि आपकी भक्ति मुझसे श्रेष्ठ है। आप दोनों में से शिवलिंग के आरंभ और अंत के बारे में जो भी सर्वप्रथम पता लगाकर यहाँ पर लौटेगा वही सर्वश्रेष्ठ भक्त कहलाएगा।